गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं आप सब? ललिता, गायत्री, तबस्सुम, हुसैन, मनीषा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएं ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी क्लास में आ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए। दृष्टि, ये कौन है क्रिएट करके? भाई सबको सबको गुड आफ्टरनून है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। एक बार आप भी अपनी तरफ से सेशन को शेयर कर दीजिए, मैं भी कर देती हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ भाई ताकि फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। बार रिफ्रेश कर दीजिए इसको, पेज को। हाँ जी, एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए भाई, अगर आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक लाइक, तो एक बार लाइक भी कर दीजिए। हाँ जी, तो अब बताइए भाई क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब? एक बार ये बता दे कि क्या हाल चाल है आप लोगों के और कैसे हैं आप सब, ताकि फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब? फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ चलिए भाई, एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में मैं सत्यप्रीत कौर शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, जो कि बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। बेहतरीन प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, आप भी एकदम बढ़िया होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अच्छा, ससुराल और मायके में उलझे हुए हैं, इधर आके उलझ जाए, उनसे बोल दो आ जाओ भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जाके जरा एक बच्चा उनको बोले आओ कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखो कह रहा है, किसके अधपके मांस खाने से जो आपका टेप वर्म है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पहुंचता है? जल्दी से बता दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से उत्तर कर दीजिए। किसके अधमके अधपके, मतलब जब आप अनकुक्ड रॉ कह सकते हैं, हाँ रॉ कह सकते हैं, अनकुक्ड कह सकते हैं, अगर हम खाते हैं तो हमें जो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है वो क्या पहुंचता है, यानी कि आपको पता है कि किसका अधपका मांस होता है? सुअर। वेरी गुड, पिग। वेरी नाइस, एकदम सही है, वेरी नाइस। ठीक है, सुअर इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही है। क्या आपको इनके साइंटिफिक नेम पता है? क्या आपको सुअर का साइंटिफिक नेम पता है? अगर पता है तो बताइए जल्दी से सुअर का साइंटिफिक नेम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अंकुश, कितनी बार लिखोगे एक मैसेज? हाँ गुड आफ्टरनून हो चुका है, ठीक है। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम सुअर का, किसी को पता है? सुअर का वैज्ञानिक नाम किसी को पता है? SUSSTROFA डोमेस्टिकस। ठीक है, एक बार इसको चेक भी कर लेना। देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम होते हैं। शिवम, हेलो बेटा शिवानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा ये बताओ, जो टेप वॉर्म है, टेप वॉर्म ये हमारा किस फाइलम में रखा गया है? ये बेसिकली कैसे वॉर्म्स होते हैं? ये चपटे कृमि होते हैं, अगर आपको पता हो ये कैसे होते हैं, चपटे कृमि होते हैं। इनको हमने किस संघ में रखा है? किसी कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये किस फाइलम में रखे गए हैं अगर मैं टेप वॉर्म की बात करती हूँ? राधे राधे शिवानी, चलो भाई जल्दी से उत्तर दे दो, किसमें रखे गए हैं जल्दी से बता दीजिए। बाय ईटिंग द अंडर कुक्ड फ्लैश लिखा है ना, टेप वॉर्म, ये किस में रखा गया है एक बार ये बता दीजिए। बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। देखो बॉटल गिर गई, एक मिनट रुकिएगा। पानी
फाइलम का नाम बताइए, जो भी बच्चे, बेटा फाइलम पूछ रही हूं मैं, क्या चीज कल से। अच्छा ठीक है दीप, अच्छा चलो इधर ध्यान दो बेटा। अरे भैया तुम लोग तो इतनी बातें करते हो, प्रणाम। चलो इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और प्लेटिल हेलमिंथस, वेरी गुड। देखो मोहिनी ने उत्तर दिया है, बाकी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ उत्तर नहीं दिए, हाँ एकदम चुपचाप सुन रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आया। क्या पूछा मैंने कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें तुमने टेप वॉर्म को रखा है। टेप वॉर्म हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, फेसियोला हेपैटिका हो गया, हेपैटिका भी तो रखा गया इसमें, फेसियोला हेपैटिका हो गया, टेप वॉर्म हो गया, और कौन सी हो गए, और नाम बताइए, किसी का नाम पता है आपको। फेसियोला हेपैटिका, सॉरी फेसियोला हेपैटिका भी इसी में रखा गया है, ठीक है। और आपको पता है ये कैसे चपटे कृमि है, किसमें रखा है, प्लेटिल हेलमिंथस में रखा है। ये क्या है, ये जो मैंने नाम लिखा है, ये एक संघ है जिसमें चपटे कृमि को रखा गया, ये एक संघ होता है। ये तुमने कहाँ पढ़ा है, ये तुमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा है बच्चों, जब तुमने एनिमल किंगडम, भाई तुमने फाइव किंगडम में, ध्यान से पढ़ना, तुमने फाइव किंगडम को जब डिवाइड किया था तो उसमें आखिरी के दो किंगडम कौन से थे, प्लांटे ही था और एनिमेलिया था, याद आया, याद आया, एनिमेलिया था, फिर एनिमेलिया दो में तुमने डिवाइड किया था, एक किया था कॉर्डेटा और एक किया था नॉन कॉर्डेटा में, एक किया कॉर्डेटा एक किया नॉन कॉर्डेटा में, जिसको हम वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा के नाम से भी जानते हैं, पता होगा, ठीक है। ये एक चपटी बॉडी है, अगर आप ध्यान देंगे ये चपटे कृमि होते हैं, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कैसी सिमिट्री शो करते हैं, बाइलेटरल, यानी तुम जब इसे कट करोगे तो ये दो इक्वल भागों में कटेंगे, तो ये कैसे है, बाइलेटरल सिमिट्री वाले हैं, बाइलेटरल सिमिट्री वाले कहलाते हैं, ठीक है। यानी इनकी सिमिट्री कैसी है, दो इक्वल भागों में कटती है अगर हम इसे काट दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अंडर विच एसोसिएशन इज द राउंड वॉर्म और थ्रेड वॉर्म प्लेस्ड, हमने कहां पे राउंड वॉर्म को और या थ्रेड वॉर्म को रखा है, बता दीजिए। गोल कृमि को कहां रखा गया है, आपके सामने चार संघ है, एनिलीडा, ठीक है, निमेटोडा, प्लेटिल हेलमिंथस, ऑर्थोपोडा, ये चारों संघ बिलोंग करते हैं आपके एनिमेलिया के इनवर्टिब्रेटा को, यानी इनवर्टिब्रेटा जिसको हम कहते हैं आकशेरुकी, आकशेरुकी है ना, आकशेरुकी बोलते हैं जो, यानी जिनके पास बैकबोन नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, ठीक है। तो यानी आप बताइए कि किसमें रखा गया है, जल्दी से बता दीजिए बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, किसमें रखा गया है, तुमने राउंड वॉर्म, जल्दी से बता दीजिए कहां रखा गया है, गोल कृमि, राउंड वॉर्म्स को हमने कहां रखा है। देखो भाई गलत उत्तर आ रहा है, गलत बात है, तुम लोगों ने फाइलम नहीं पढ़े हैं, तुम लोगों ने फाइलम बहुत सारे पढ़ रखे होंगे, इनवर्टिब्रेटा कौन कौन से फाइलम पढ़े हैं तुमने, सबसे पहले कौन सा पढ़ा है, पूरी फेरा पढ़ा है, याद आया, जिसमें तुमने किसको रखा है, स्पॉन्ज को रखा है, उसके बाद तुमने किसको पढ़ा है, पूरी फेरा के बाद सीलेंट्रेटा को पढ़ा है, याद आया, सीलेंट्रेटा को पढ़ा गया है, ठीक है, जिसमें तुमने किसको रखा, हाइड्रा को रखा है, इसके बाद तुमने तीसरा क्या पढ़ा है, निमेटोडा पढ़ा है, सॉरी निमेटोडा नहीं पढ़ा है, प्लेटिल हेलमिंथस पढ़ा है, प्लेटिल हेलमिंथस, हेलमिंथस पढ़ा है, याद आया, इसका हिंदी देख लेना मैंने गलत लिखी है, ठीक है। इसमें कौन है, फ्लैट वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म आते हैं, यानी जितने चपटे कृमि हैं, उसके बाद तुम्हारा निमेटोडा आता है, निमेटोडा में आते हैं राउंड वॉर्म, निमेटोडा में आते हैं तुम्हारे राउंड वॉर्म्स, उसके बाद तुम्हारा एनिलीडा, एनिलीडा में बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिज्म आएगा, या कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया जीव रखा गया है, वो है अर्थ वॉर्म, यानी फार्मर्स का मित्र अर्थ वॉर्म रखा गया है एनिलीडा में। एनिलीडा के बाद आया ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में तुमने किसको रखा है, कॉकरोच को रखा है, ऑर्थोपोडा में किसको रखा है, कॉकरोच को रखा है, इसके बाद तुम्हारा क्या आया, मोलस्का, मोलस्का में हमने किसको रखा है, किसको रखा है मोलस्का में, जितने भी शेल वाले एनिमल्स हैं, उसके बाद से तुम्हारा आया इकाइनोडर्मेटा, कौन सा आया, इकाइनोडर्मेटा, जिसमें तुम्हारी स्टार फिश है,
और तुम्हें ये भी पता है कि जो तुम्हारा मोलस्का है और जो ऑर्थोपोडा है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, यानी सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है? तुम्हारा ऑर्थोपोडा है। समझे बात को? कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। क्लियर हुई ये चीज सारे बच्चों को? ये सारे तुम्हारे कैसे हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये सारे कैसे हैं? ये सारे इनवर्टिब्रेटा है। अगर मैं बात करती हूँ वर्टिब्रेटा की यानी कशेरुकी की, तो वर्टिब्रेटा पांच में डिवाइडेड है। पहला हो जाएगा पाइसेस, जिसमें तुमने मछली रखी है। दूसरा हो जाएगा एम्फीबिया, जिसमें तुमने उभयचर यानी मेढक रखा है। तीसरा तुम्हारा हो जाएगा रेप्टीलिया, जिसमें सारे सरीसृप पाएंगे। चौथा हो जाएगा एप्स, जिसमें पंछी आएंगे। और पांचवा हो जाएगा मैमल्स, जिसमें तुम आते हो। समझे बात को? ये तुम्हारे कशेरुकी कहलाते हैं, यानी जिनके पास बैकबोन डेवलप है, वर्टिब्रल कॉलम है। ये कौन से हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है? अगर मैं राउंड वॉर्म की बात करूंगी तो निमेटोडा में रखे गए, जिसको हम निमेथेलमिंथिस भी कहते हैं। एनिलिडा में आपका कौन आ जाएगा? ऑर्थोपोडा आ जाएगा। प्लेटिल हेलमिंथस में चपटे क्रमी टेपवॉर्म फ्लैटवॉर्म्स आ जाएंगे। ऑर्थोपोडा में कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, प्रॉन आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा, तितली आ जाएगी। समझे बात को? समझे? इतना क्लियर हुआ सारे बच्चों को? एक बार बता दो सुनील, एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं क्योंकि आपके कमेंट रुक गए हैं। एक मिनट रुकिएगा बस, एंटर। चलो हाँ, एक बार बता दे सारे बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, समझ में आया? राधे राधे। एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए सारे ही बच्चे जो हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं। इतना समझ में आया किसी को? वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा में कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा यानी नॉन वर्टिब्रेटा, क्योंकि कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा को ही कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बबीता, समझ में आया? और अब तुम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ना तुम लोगों को अभी करना है, इसी वक्त करना है। क्या करना है? तुम लोगों को पता है, तुम लोगों में से काफी बच्चे बहुत परेशान थे कि मैम ये एग्जामपुर की जो पीडीएफ है जो आप पढ़ा रही है यूट्यूब पे, ये कहाँ जाती है मैम, हमें एप्लीकेशन पे नहीं मिल रही है। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको अभी तक एप्लीकेशन पे यूट्यूब की जो पीडीएफ है वो नहीं मिल पाई है? हमें बता दीजिए बबीता, ऐसे कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको अभी तक टीचर्स की जो यूट्यूब की पीडीएफ है वो नहीं मिल पा रही है? क्योंकि अब आपके सामने ये इजिएस्ट मेथड है कि कैसे आपको डाउनलोड करनी है पीडीएफ। देखिए बेटा, ये आपकी एप्लीकेशन है, सबको नजर आ रहा होगा। एप्लीकेशन को जैसे ही खोलते हैं पहला पेज ऐसा दिखता है। जब आप, अब देखिए तबस्सुम मैं बता रही हूं, देखिए आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको काम ये करना है कि आपको अपनी जो भी आपकी एप्लीकेशन आपने जो डाउनलोड कर रखी है, जो आपने डाउनलोड कर रखी है वो सबसे पहले तो, ओके ओके बबीता, सबसे पहले तो भाई एग्जामपुर एप्लीकेशन अगर फोन पे नहीं है तो डाउनलोड करो, और अगर है तो अपडेट करो। ठीक है, अपडेट इसलिए करना जरूरी है, जब एप्लीकेशन पे न्यू फीचर्स आते हैं तो वो अपडेट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आएंगे न्यू फीचर्स। बिना अपडेट के तुम्हें फीचर्स थोड़ी ना मिल जाएंगे, तो अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद आपको नीचे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है होम, एक दिख रहा है यूट्यूब प्लेलिस्ट, एक दिख रहा है माई कोर्सेस, एक लिख रहा है डाउनलोड, और एक लिख रहा है ऑफर। दिख रहे हैं चार ऑप्शन? तो इन चार ऑप्शन में तुम्हें YouTube प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे तुम्हें क्लिक करना है। जब तुम YouTube प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तब तुम्हारे पास यहाँ पे ये पन्ना खुल के आ जाएगा। तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कि तुम कौन से चैनल पे पढ़ते हो। जैसे तुम पढ़ रहे हो MP Exams by Exampur, यही पे तो पढ़ रहे हो, उस पे क्लिक करो। तुम्हारे टीचर्स का नाम लिख के आ जाएगा, स्पेसिफिक कोर्स का नाम, जैसे ये MP पटवारी की क्लास है तो MP पटवारी लिख के आएगा, उस पर क्लिक करना। तुम्हें अंदर सारे नोट्स मिल जाएंगे, समझ रहे हो, सारी पीडीएफ यही पे है। ये देखिए आपको क्या करना है, व्यू पीडीएफ करनी है, आपको कोर्स मिल जाएगा। समझे बात को? और बच्चों उससे भी इम्पोर्टेंट बात, सारे बच्चों को पता होगा कि ये तो तरीका हो गया कि हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब पीडीएफ। आपको YouTube की PDF अब मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे। तो याद से अगर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ एप्लीकेशन पे है, अब टेलीग्राम पे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन जो देनी थी वो ये देनी थी, दूसरी इंफॉर्मेशन भी सुन लीजिए क्योंकि भाई वो भी इंपॉर्टेंट है।
और वो इंफॉर्मेशन क्या है बता रही हूं मैं, एक मिनट रुकिएगा। वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन है, इसको डाउनलोड करने में टाइम लगता है, वो इंफॉर्मेशन है ग्रैंड सिलेक्शन की। यानी देखिए वैसे भी आपके एमपी के कोर्सेस में 75% का ऑफ था, सारे बच्चों को पता है ना, जितने भी कोर्स चल रहे हैं एमपी की तरफ से उसमें 75% का ऑफ था। लेकिन अब हमारे एग्जामपुर की तरफ से ग्रैंड सिलेक्शन ऑफर आया है जो कि नोट्स पे भी एप्लीकेबल, यानी अगर आप नोट्स लेते हैं और कोर्सेस लेते हैं दोनों में 70% मिलेगा, समझ रहे हैं। तो आप चाहें तो आप इसका सैंपल हमारी एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं, वहां पे नोट्स का सैंपल दिया हुआ है कि किस तरीके के नोट्स हैं, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको समझ में आया तो आप खरीद भी सकते हैं, समझ रहे हैं। डाउनलोड सिर्फ सैंपल होगा, आपको कोड यूज करना है एग्जाम 70। तो ये सिलेक्शन ऑफर जो है ये सिर्फ 28 तारीख तक वैलिड है, यानी 28 तारीख कब है, कल है, तो यानी कल तक का सिर्फ टाइम है। आप लोग चाहें तो कोर्सेस और नोट्स को खरीद सकते हैं इस सिलेक्शन ऑफर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। कह रहा है एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है। एस्कैरिस कहां से बिलोंग करता है, कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, पहला प्रश्न तो यही है, कौन से संघ को एस्कैरिस बिलोंग करता है, बताइए। एस्कैरिस कौन से संघ को बिलोंग करता है, एस्कैरिस कौन से संघ को बिलोंग करता है, आपको ये बताना है। ए, अच्छा ठीक है, देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए निमेटोडा, ये कहाँ लिखा है निमेटोडा, कौन सा उत्तर दे रहे हो भाई, कौन सा उत्तर दे रही हो मंजरी, किस दुनिया में हो। अच्छा 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 अच्छा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस, बता दो भाई, निमेटोडा, क्या बात है भाई, वेरी नाइस, यानी निमेटोडा जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, है ना, क्योंकि एस्कैरिस निमेटोडा को बिलोंग करता है। और हम कहें तो कौन सा रोग उत्पन्न करेगा, तो एस्कैरियासिस रोग उत्पन्न करेगा, है ना, एस्कैरियासिस। बेटा स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होती है, जल्दी से बता दीजिए, स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होती है, जल्दी से बता दीजिए। ट्रिपिंग स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होती है, अगर पता है तो बताइए। ओके वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए, स्लीपिंग सिकनेस, हालांकि आपको पता होना चाहिए ट्रिपैनोसोमा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बोल रहा है फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है, फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है। ओके ज्योति वेलकम बेटा, चलिए जल्दी से बता दीजिए, मतलब लोगों के पास कितना खाली टाइम होता है, मैं तो ये देख रही हूं, बताओ कितना खाली टाइम है लोगों के पास, है ना, एक से एक थलुआ लोग हमारे क्लास में बैठे रहते हैं, क्यों बच्चों, आप समझ गए होंगे किसकी तरफ हमारा इशारा है, ठीक है। एक से एक देखिए खाली लोग आते हैं क्लास में, मतलब वो दिन में उठ के उनके पास कोई काम ही नहीं है, वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आके अपना शो करते हैं कि हम कितना फेमस हैं, हाँ चलो खैर वॉट एवर। द डिजीज कॉल्ड फाइलेरिया, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, एस्कैरिस, टीनिया सोलियम, प्लाज्मोडियम, बता दीजिए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए क्या होगा, डी 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 प्लाज्मोडियम, बेटा प्लाज्मोडियम तो कहीं से नहीं है, मलेरिया पढ़ा होगा तो प्लाज्मोडियम मलेरिया से रिलेटेड होगा कि यहां पे होगा, प्लाज्मोडियम तो बिल्कुल भी नहीं है।
डिजीज कॉजेज फाइलेरिया दैट इज वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, समझे बेटा? अभी नहीं हो रही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ये एमपी पटवारी की क्लासेस की वजह से उस क्लासेस को रोका गया, क्यों रोका गया है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो क्लास ले रही थी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्लास लेने में, ठीक है बेटा? चलिए, वेरी गुड तबस्सुम, वेरी नाइस। कह रहा है एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है, एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है, गुड इवनिंग, चलो जल्दी से बता दो एस्कैरिस कहाँ पाया जाएगा। फिफ्थ का बी क्या है, फिफ्थ का बी मनुष्य की आंत में, वेरी गुड, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है एस्कैरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फेरिटिमा पोस्थमा, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है फेरिटिमा पोस्थमस, बता दीजिए कि किसका है ये, चलो जल्दी से बता दो कि क्या होगा करेक्ट आंसर। फेरिटिमा पोस्थमा बहुत ही आसान है, कौन सा है, किसका है साइंटिफिक नेम फेरिटिमा पोस्थमा, जल्दी से बता दीजिए। फेरिटिमा पोस्थमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है, निरीस का नाम है, लीच का नाम है, टेपवॉर्म का नाम है कि अर्थवॉर्म का नाम है, किसका नाम है ये आपको उत्तर देना है। टेपवॉर्म का नाम है बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी ये टेपवॉर्म का नाम नहीं है, ये नाम फेरिटिमा पोस्थमा बहुत ही कॉमन नेम है, और ये आपका जो फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड है वो है। अब बता दीजिए बेटा, अब फेरिटिमा पोस्थमा का हिंदी नहीं ला सकते, तुम क्लास से जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में ऐसे ही लिखा जाएगा, तुम्हारे नाम को हिंदी में कुछ और लिख देंगे क्या, दीपक पांडे तुम्हारा नाम है तो लाइट लिख देंगे क्या, लाइट पांडे, हाँ एकदम ही बॉडम बच्चे हैं, क्या होगा, यानी जो नाम होते हैं उनका थोड़ी ना हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है, तुम्हारे नाम का ट्रांसलेट कर दे दीपक, तुम इंग्लिश में लिख रहे हो अपना नाम, तुम लाइट पांडे लिखो ना, दीपक का पर्यायवाची क्या होगा, समानार्थी शब्द लाइट हुई, प्रकाश हुआ है ना, तो तुम लाइट पांडे हुए आज से। चलो जल्दी से बताओ फेरिटिमा पोस्थमा क्या हुआ, ये आपका अर्थवॉर्म का है साइंटिफिक नेम, ठीक है, ये आपका अर्थवॉर्म का है साइंटिफिक नेम, समझे बात को, हाँ बिल्कुल, लालटेन भी हो सकता है, सही बात है, टीन या सोलियम, वेरी गुड तबस्सुम, टेपवॉर्म का, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ हिरुडिनेरिया कौन होता है, हिरुडिनेरिया ये किसका नाम है, हिरुडिनेरिया ये किसका नाम है, व्हाट इज दिस, ये बताओ हिरुडिनेरिया किसका नाम है, मतलब ऐसा अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करने को बच्चे बोलते हैं हर समय, मैम इसका हिंदी बता दीजिए, मैम इसका अंग्रेजी बता दीजिए, अरे भाई कुछ नाम बायो में 70% तो ऐसे नाम है जो हिंदी इंग्लिश में सेम है, समझे बात को, तो वो सेम नेम होते हैं, तो यहां पे भी ये जो साइंटिफिक नेम लिखा था, साइंटिफिक नेम का नाम थोड़ी ना अलग हो जाएगा, वो हिंदी अंग्रेजी में सेम ही तो लिखा जाएगा, कॉमन सेंस है, नहीं है कॉमन सेंस आपके पास तो हम क्या कर सकते हैं भाई। चलिए जल्दी से उत्तर दे दीजिए, हाँ जी ठीक है, समझे बात को, चलिए आगे चलते हैं। विच ब्लड पिगमेंट इज देयर इन अर्थवॉर्म, कौन सा ब्लड पिगमेंट पाया जाता है, ये तो अर्थवॉर्म का ब्लड पिगमेंट हो गया, ह्यूमन बॉडी में ब्लड पिगमेंट क्या है बताना जरा, ह्यूमन बॉडी का भी ब्लड पिगमेंट बता देना साथ ही साथ, अर्थवॉर्म का बताओ और ह्यूमन बॉडी का भी बता दो, चलिए जल्दी से बता दीजिए सारे ही बच्चे। मंजरी, प्रदीप, प्रदीप आ चुके हैं क्लास में, वेरी गुड, क्या होगा बता दे, ह्यूमन का हीमोग्लोबिन, यस, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर आपको पता हो हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, समझे बात को,
हम इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका हीमोग्लोबिन है। और यहाँ पे क्या होगा, हीमोसाइनिन है ना, हीमोसाइनिन होगा। रक्त वर्णक जो हमारे अर्थवर्म में पाया जाता है वो हीमोसाइनिन होता है। केचुआ कृषकों को परम मित्र होता है, क्योंकि क्यों होता है, फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड। दीपशिखा गुड इवनिंग बेटा, क्यों होता है फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड, आपको ये बताना है, जल्दी से बता दीजिए। आखिर वो ऐसा क्या करता है जो वो फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड कहलाता है, यानी वो जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मिट्टी में ओटू की मात्रा को बढ़ाएगा, या वो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है, यस, या कवक नाशक का कार्य करता है, यानी एक्ट एज अ फंजीसाइड, यानी फंगल जो चीजें हैं इन्फेक्शन या जो फंगल फंगस लग जाता है उसको मिटाने का काम करता है, या ये एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, किस तरीके काम करेगा ये बताना है आपको। बता दीजिए सारे ही बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ कि क्या होगा, और एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सेशन को लाइक और शेयर भी याद से कर दें, क्योंकि यहाँ पे डेली आपकी क्लास होती है। अभी हम आपको टाइम टेबल आपका बताएंगे, क्योंकि कुछ चीजें बदलने वाली हैं 1 तारीख से, जो कि हम अभी आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। करेक्ट आंसर ए है, स्टीफन तबस्सुम देवी अनिल, वेरी गुड सूरज, ए इज द करेक्ट आंसर। जमीन को छिद्रयुक्त बना के मृदा में यानी मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, किसमें रखा गया है, एनिलीडा में रखा गया है, एनिलीडा में रखा गया है, ठीक है, फाइलम एनिलीडा में इसको रखा है हमने। और दूसरी चीज, अब जो आपकी क्लास की टाइमिंग है वो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, अदरवाइज आपकी क्लास गड़बड़ा जाएगी। जैसे कल है तारीख 28, तो 28 फरवरी को तो वैसे ही क्लास होगी जैसे होती आई है, यानी 3 बजे आपसे मिलेंगे जैसे मिलते हैं। 1 मार्च और 2 मार्च को क्लास का टाइमिंग 2 से 4 है, यानी 2 घंटा क्लास चलेगी, 2 से 4 है क्लास का टाइमिंग, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, 2 से 4 आपकी क्लास की टाइमिंग्स है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 और 2 तारीख को बहुत धैर्यपूर्वक सुनिएगा, और उसके बाद आपको पता है 3 तारीख आ जाएगी, 4 तारीख आ जाएगी, 5 तारीख आ जाएगी। सबको पता है 5 को है संडे, अगर किसी को नहीं पता कैलेंडर देख लीजिएगा। 4 को है सैटरडे, जिसमें मेरी मैराथन रहती है बिहार चैनल पे। 3 को वैसे ही क्लास चलेगी जैसे अभी चल रही है, यानी 3 बजे क्लास होगी। और 6 तारीख को 6 से 10, क्योंकि ये होली का टाइम है, यहाँ पे वैसे ही क्लास चलेगी जैसे चलती है, समझे बात को, ठीक है, वैसे ही क्लास चलेगी जैसे चलती है। होली के टाइम पे क्लास हर दिन चलेगी, एवरी डे। क्लास का टाइमिंग चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, रात में चल सकती है, सुबह चल सकती है, लेकिन चलेगी डेली, समझ रहे हैं बात को, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, क्लास आपकी चलेगी डेली, ठीक है। चलिए, यानी क्लास का ये समझ में आ गया, अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो इसको समझना है, 2 से 4 जो क्लास चलने वाली है 1 और 2 तारीख को, ये टाइमिंग समझ में आई। मैराथन होने वाली है सुबह 8 से 12, आपके अतुल सर पढ़ाएंगे, 9 से 12 या 8 से 12 उनकी क्लास है, अतुल सर पढ़ाएंगे, उसके बाद 2 से 4 मैं आऊंगी, उसके बाद एक और टीचर आ रहे हैं जो आपको शायद 4 से 6 पढ़ाएंगे। पूरा एक टाइम टेबल आपका बना हुआ है कि टीचर्स कब कब आएंगे, समझे बात को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल पे आना है जैसे आप आते हैं और क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। बिहार पर जो मेरी क्लास होती है, बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे, हाँ बेटा तबस्सुम, बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे सैटरडे को, शनिवार को क्लास है, शनिवार को क्लास लगी हुई है 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 क्लास लगी है शनिवार को बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं शनिवार को, पिछले शनिवार को भी क्लास हुई है, यानी परसों क्लास हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हाउ मेनी आईज आर देयर इन अर्थवर्म, अर्थवर्म की कितनी आंखें होती हैं, तुम्हारे पास कितनी आंखें हैं। सुंदर बेटा ये तो अभी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे में हो नहीं रही है। केचुए में कितनी आंखें होती हैं, हाउ मेनी आईज आर देयर इन अर्थवर्म, तुम लोगों ने अर्थवर्म को देखा है, हाँ एक भी नहीं, वाजी वाह क्या बात है भाई, चलो तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, वेरी गुड लाइट पांडे, अब तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, एक भी नहीं, वेरी गुड, कोई आंखें नहीं पाई जाती इनकी, क्या बात है भाई क्या बात है, वेरी नाइस। यही तो बात है ना, जब आप एक एजुकेशनल चैनल पे आते हैं तो आपकी आत्मा को खुद कहना चाहिए कि गंदा काम मत करो, ये एक पढ़ाई वाला चैनल है ना, कहीं और जाओ वहां जाके गंदगी फैलाओ, बहुत चैनल है, बतेरे चैनल है यूट्यूब के जहां तुम गंदगी फैला सकते हो, लेकिन हाँ कम से कम थोड़ी मान मर्यादा का थोड़ी शर्म रखो, है ना, वरना ऐसा तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला तुमको देख रहा है, ठीक है,
चलो इधर उधर जाके गंदगी किया करो, एजुकेशनल चैनल पे मत किया करो। केचुए किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाएंगे लाभ बताइए, केचुए कैसे लाभ पहुंचाते हैं। ओके अंजुला, केचुए को तो देखा ही होगा, देखिए केचुआ पहले एक टाइम पे तो बहुत दिखता था जब बारिश होती थी, है ना, जगह जगह दिखते थे। अब तो खैर हमारे ह्यूमन जो हमारे ह्यूमन से मतलब हम लोग जो हैं, हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज से इतना दुखी कर दिया है वातावरण को कि जो एनिमल्स जो चीजें बहुत आसानी से पहले दिखती थी अब वो दिखनी बंद हो रही है भाई, विलुप्त भी हो रही है, है ना। चलो जल्दी से जवाब दे दो सी। अरे वाह क्या बात है भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैं तुम लोग को कुछ बताने वाली थी भूल गई, पता नहीं क्या बताने वाली थी, चलो खैर अब भूल गए, जब याद आएगा तब बताएंगे, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लेग्स डू इंसेक्ट हैव, इंसेक्ट के पास कितने कितने कीटों में कितनी टांगे होती है, कीट किसमें रखे गए हैं, कीट किसमें रखे गए हैं, कौन सा फाइलम है जिसमें हमने कीट को रखा है। वेरी गुड तबस्सुम, बिल्कुल बिल्कुल, एक काम करिए जल्द से जल्द, अगर अभी वेरी गुड थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं वेरी गुड, और इसको हमने रखा है ऑर्थोपोडा में, है ना, ऑर्थोपोडा में रखा है, और कैसी सिमिट्री होती है, बाइलेटरल सिमिट्री होती है इनकी, यानी इनको बीच से काटोगे तो ये दो इक्वल हिस्सों में कटते हैं बेटा। जिन्होंने अभी तक अगर जिन्होंने पीडीएफ नहीं डाउनलोड की है, ये बार बार इंफॉर्मेशन आ रही है कि बच्चों से बोलो कि पीडीएफ डाउनलोड करें, अभी तुरंत एप्लीकेशन पे जाइए और एमपी की जो फ्राइडे को क्लास हुई है उसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए, समझ में आ रहा है, आपको डेली डेली पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ये आपकी क्लास का तरीका है, मतलब किस तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। अगर पीडीएफ को आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो ये बहुत गड़बड़ होगा, क्योंकि क्लास आप लोगों की डेली होती है, समझ रहे हैं, क्लास आप लोगों की डेली होती है और आप लोगों को पीडीएफ आप ही लोगों की एप्लीकेशन पे मिलेगी। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक उनके फोन में एग्जामपुर एप्लीकेशन नहीं है, ये बताइए जरा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी तक एग्जामपुर एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं, कोई अगर बच्चा है तो बता दीजिए। बेटा अभी एमपीटेट की क्लासेस को रोक दिया गया है, अभी पहले मुझे ये जवाब दे दीजिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी एप्लीकेशन जिनके फोन पे नहीं है, बता दीजिए जल्दी से। ले बेटा अगर एप्लीकेशन आपके फोन पे नहीं है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, अगर एप्लीकेशन आपके फोन में नहीं है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब से जो भी पीडीएफ है, जितने भी टीचर्स आपके हैं, मैं आपको बता दूं जितने भी टीचर्स हैं, बिल्कुल वेरी गुड, अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप रिवीजन करते रहेंगे साथ साथ तो और अच्छा होगा ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ तो आपके पास होनी चाहिए ना, है ना, आप हाँ क्लास के बाद पीडीएफ, अब जैसे ये वाली क्लास ओवर होगी, ठीक है या ओके 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 अंजुला, अभी यही क्लास जब ओवर होगी तो इस क्लास के बाद ये पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन पे आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ये एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी, तो कोशिश करिएगा कि तुरंत इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके फोन में रहेगी तो एज अ रिविजन आपके ये बहुत काम आएगी, आपको अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही है, लेकिन समय रहते आपको बहुत जल्द एहसास होगा कि हाँ पीडीएफ है तो थोड़ा एक रिविजन हो गया जल्दी से, समझ रहे हैं बातों को। दूसरी चीज, आपको डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन दिखेगा यूट्यूब प्लेलिस्ट का, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूट्यूब प्लेलिस्ट, ठीक है, वहां पे आपको दिखेगा आपकी सारी क्लास की पीडीएफ यही पे है, आपको अपना चैनल डिसाइड करना होगा, सिलेक्ट करना होगा एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसलिए जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हें अतुल सर की पीडीएफ चाहिए तो भी यहाँ पे है, तुम्हें अपने पेडागोजी सर की पीडीएफ चाहिए वो भी यहाँ पे है, तुम्हें बायो की पीडीएफ चाहिए वो भी यहाँ पे है, सब कुछ एप्लीकेशन पे है, अब तुम्हें कहीं भटकना नहीं है, समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। कह रहा है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग, चलो बता दो भाई,
वो नहीं रह सकता जल में जीवित, ये तुम नहीं बता पाओगे, वातक है। चलो, निम्न में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? इसमें से कोई एक ऐसा कीट है जो उपयोगी नहीं है। जल्दी से बता दीजिए, ऐसा कौन सा कीट है जिसका कोई उपयोग नहीं है? बेसिकली वो तो गंदगी फैलाता है और उससे बीमारियां होती हैं। जल्दी से बता दो बेटा, क्लास पे ध्यान दो। चलो जल्दी से उत्तर दे दो, क्या होगा, क्या है भाई, कौन सा कीट है जो उपयोगी नहीं है? जवाब दीजिए। मधुमक्खी, रेशम कीट, लेडी बर्ड या घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। तुम्हें पता है ये तो गंदगी फैलाती है, टाइफॉइड वगैरह गंदा पानी करती है ये, और जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां लगती है, रोग लगते हैं, समझे बात को? अरे क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हाँ नमस्ते नमस्ते। चलो भाई आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। एमरजेंस ऑफ द रेड ब्लड इन मॉस्किटो इज ड्यू टू द न्यूट्रिशन, और मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? बता दीजिए, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? अच्छा, मच्छर जब मतलब किसी पे काटते वाटते हैं तो आपको पता है कि किस पे होगा, जल्दी से बता दीजिए। स्तनधारियों पर ही होगा, मैमल्स को ही काटते हैं तभी खून आता है, पता है ना आपको, तो यानी मैमल्स। वेरी गुड। अगला प्रश्न ये कह रहा है लह उत्पन्न होती है, बता दीजिए जल्दी से, लह उत्पन्न होती है, लह क्या है? वैसे इसको कुछ और बोलते हैं, लैक बोलते हैं ना, लैक, लैक उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है लैक? जल्दी से उत्तर दे दीजिए कि किसके किसके किससे उत्पन्न होगी, मल से, छाल से, अंडाशय से या कीटों के शरीर से? सोच समझ के उत्तर दीजिए। सुंदर ठाकुर, तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है बेटा, सुंदर ठाकुर, डी। वेरी गुड भाई, देखो तुक्का भी मार रहे हो, सही मार रहे हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन है भी नहीं सही, तो डी ही सही होना चाहिए, है ना। चलिए, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम सबको पता है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, जल्दी से बता दो किससे होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो, रेशम का उत्पादन, रेशम का उत्पादन किससे होता है? आपको इसका उत्तर देना है कि रेशम का उत्पादन किससे होगा, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के अंडे से, स्वयं कीट से, रेशम कीट के लार्वा से, किससे होगा? सिल्क लार्वा की बात हो रही है, बिल्कुल, क्या बता रहे हैं आप, ए यानी प्यूपा से। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कीप इट अप। प्यूपा से, हमारे रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। आपने सेरिकल्चर पढ़ा होगा। घरेलू मक्खी के लार्वा को हम क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी की बात हो रही है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के लार्वा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, हम हाउस फ्लाई के लार्वा की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने जाना। हाउस फ्लाई जो किसके अंदर आएगी, आपके ऑर्थोपोडा में आएगी, है ना, ये मच्छर मक्खी, ये कीड़े मकोड़े सब किस में आते हैं? आपके ऑर्थोपोडा में आते हैं। एक बार प्यारे बच्चों, जो जो हमसे जुड़े हैं, सेशन को अगर लाइक नहीं किए हैं कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है सेशन को लाइक करना। हो बेटा, आपके सारे कोर्सेस पे 70% का ऑफ है। अगर आप कभी भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप एग्जामपुर के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जानते हैं आप सबकी, अब आप लोग की पीडीएफ जो है वो जा रही है एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। वेरी गुड वेरी गुड, आधे से ज्यादा बच्चे गलत रिप्लाई दे रहे हैं। सूरज वेरी गुड, मनीषा वेरी गुड, वेरी गुड यानी मैंगोट, वेरी गुड। ठीक है, ये लार्वा कभी कभी पूछ लिया जाता है, वेयर इज द पॉइजन ऑफ स्कॉर्पियन, यानी बिच्छू का जो विष होता है वो कहाँ होता है? बिच्छू सबने देखा है, बिच्छू मूवी भी आई थी, है ना, बिच्छू एक मूवी भी आई थी। बिच्छू का जो विष होता है वो कहाँ होता है? बिच्छू क्या मारता है भाई, सबको पता है, जल्दी से बता दीजिए। एक बार हम इसको फिर से रिफ्रेश कर दें, क्योंकि आपके कमेंट स्टेबल हुए जा रहे हैं, तो मैं आपके कमेंट बहुत ज्यादा रीड आउट नहीं कर पा रही हूँ। यस नाउ इट इज ओके, डंक में, वेरी गुड वेरी नाइस, स्टिंग वेरी नाइस, यानी डंक में पाया जाता है बिच्छू, बिच्छू का विष, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ठीक है सुंदर जी भाई, थैंक यू सो मच,
तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है। तितली देखी है आप लोगों ने, कितनी सुंदर होती है तितली, है ना, मन को भाने वाला। और आपको पता है कितनी कलरफुल होती है ना। कभी पकड़ने की कोशिश की है तितली को? अगर पकड़ने की कोशिश की है जरूर पकड़ो, लेकिन उसको छोड़ भी दो, है ना, उसको छोड़ भी दीजिए, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसको भी जीने का हक है। बता दो भाई, जीन प्रभाव के कारण, विशेष लेंस के कारण, टेपिटम ल्यूसिडम के कारण, या कोई स्पष्ट कारण गिवन नहीं है। बहुत ही बढ़िया भाई, देखो जो पढ़ाई करते हैं उनका उत्तर तुरंत आता है। दीपाली का आ गया, सूरज का आ गया, दृष्टि का आ गया, वेरी गुड, अनिल का आ चुका है, दीप का आ चुका है, ठीक है आपने पकड़ी है, मनीषा का आ चुका है, वेरी गुड भाई, कीप इट अप, बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्यू टू टेपिडम ल्यूसिडम, वेरी गुड। तितली जो कि किस फाइलम में रखी गई है? हमने तितली को किस फाइलम में रखा है बताइए जरा, तितली को किस फाइलम में रखा गया है? तो तितली को हमने रखा है ऑर्थोपोडा में, बटरफ्लाई, बाइलेटरल सिमिट्री है, ठीक है समझे, बाइलेटरल सिमिट्री है। चलिए, निद्रा रोग कौन फैलाती है? निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, ये स्पेलिंग सही कर लो, सी सी फ्लाई होगा, सी सी फ्लाई ऐसे लिखते हैं। चलो बता दो, ये भी बहुत आसान है, जू फैलाती है क्या? स्लीपिंग सिकनेस, अगर आपके जू होंगी तो क्या आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी? हाँ, चलिए जल्दी से बता दीजिए, निद्रा रोग कौन फैलाएगा? निद्रा रोग कौन फैलाएगा? प्रदीप, दीपक, दीप, जल्दी से बता दो, मीनाक्षी, मंजरी, अनिल, सूरज, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर भाई? निद्रा रोग कौन फैलाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, सी सी फ्लाई, वेरी नाइस। ये जो फ्लाइज होती है ना, ये कोई ना कोई रोग फैलाती है, और एग्जाम में या तो इसका पॉजिटिव एजेंट पूछेगा या तो इसका कॉमन नेम पूछेगा, समझे बात को? चलो भाई अगला प्रश्न बता दो, काला आजार कौन फैलाएगा? काला आजार रोग कौन फैलाता है? बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। लाइस, ठीक है, फ्ली, पिस्सू बोलते हैं, जू बोलते हैं, सैंड फ्लाई या खटमल, खटमल, चलिए बताइए क्या होगा, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। बी, डी, सी, अच्छा, तुक्के देखिए कितने अच्छे से लगते हैं बच्चों के, देख के बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कितने अच्छे से तुक्के मारते हैं। जिनको पता है भाई उनका एक ही बार में रिप्लाई आ जाता है, और वो है सैंड फ्लाई, वेरी गुड। अभी 5 बजे बिहार पे भी मेरी क्लास लगी हुई है, बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, अगर आप चाहें तो आप हमसे वहां पे जुड़ सकते हैं, समझे बात को? 5 बजे क्लास लगी है बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। ये मेरा नाम है सतप्रीत कौर, हाय भगवान, शर्मा, ठीक है, आप इसको इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, बिना स्पेस के मेरा नाम लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगी। अभी आप लोगों के एग्जाम लगे हुए हैं, पढ़ने के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आएगा प्रीति, ठीक है बेटा, आप इससे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आईडी है सतप्रीत कौर शर्मा, बिना स्पेस के आप जुड़ सकते हैं, और आपको पढ़ने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी क्लास है भाई साहब, ठीक है, और 5 बजे बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर पे क्लास होनी है, आप चाहें तो क्लास वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी क्लास है बबीता, अभी तो क्लास है। चलो, कह रहे हैं इंसेक्ट का जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो क्या है, यानी एक इंपॉर्टेंट लक्षण बताना है कीट का, कीट का एक इंपॉर्टेंट लक्षण बताना है। अच्छा, आपने मुझे फॉलो किया है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन प्रश्न तो आप हमसे कुछ पूछते नहीं है, कुछ भी प्रश्न तो आपने पूछे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो उन बच्चों को याद रखते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। चलिए, 3 पेयर, ये अभी तुमने बताया था 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इनके पास पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है मलेरिया का वेक्टर, अरे भाई बहुत ही आसान प्रश्न, बता दो फीमेल मच्छर होती है, नाम बता दो जल्दी से, जल्दी से नाम बता दो, क्योंकि ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है, जल्दी से उत्तर दे दो। जितने भी बच्चे जुड़े हैं यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल 3 बजे फिर से क्लास होगी, यहाँ पे 3 बजे डेली क्लास होती है, 1 मार्च और 2 मार्च को 2 से 4 क्लास है, लगातार 2 घंटा क्लास होगी, 1 मार्च को और 2 मार्च को,
ठीक है, समझे बात को। फीमेल एनोफिलस, वेरी गुड, यार क्योंकि मेल मच्छर नहीं काटता, फीमेल मच्छर ही काटती है। चलिए कटल फिश, कटल फिश किसको कहते हैं, कटल फिश किसको कहा जाता है, सीपिया, पाइला, लिलियोगो, टेरिडो, जल्दी से बता दीजिए। कटल फिश, मोलस्का को बिलोंग करेगी, जल्दी से बता दीजिए। कटल फिश, कल से क्लास नहीं होगी आपकी, कल से नहीं बेटा, पहली तारीख से, कल तो आपकी क्लास होगी, ठीक है, कल आपकी क्लास होगी बेटा, पहली और दूसरी तारीख को क्लास जो है वो 2 से 4 होगी, बात को समझो, ठीक है, पहली और दूसरी तारीख को, पहला मार्च और दूसरा मार्च को जो क्लास है वो जो होगी वो 2 से 4 होगी, कल क्लास होगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम आज से आए हो, डेली क्लास कल 3 बजे होगी, जैसे क्लास होती है ना 3 बजे वैसे होगी, कल तो क्लास है, कल तो फरवरी का आखिरी दिन है, ठीक है, मेगा सेल का भी आखिरी दिन है। चलो क्या होगा, सीपिया, सीपिया होगा आपका जिसको हम कटल फिश कहते हैं। कह रहा है ऑक्टोपस क्या है, व्हाट इज ऑक्टोपस, ये बता सकते हो, हेमी कॉर्डो होगा, ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस जो कि आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं और क्लास को छोड़ने का टाइम हो गया है, जल्दी कर लेते हैं। डेविल फिश किसको कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए, क्लास को खत्म करने का टाइम हो चुका है, आपके अतुल सर आ गए हैं, उनकी क्लास है अगली, जल्दी से बता दीजिए डेविल फिश किसको कहते हैं, कोशिश है कि जल्दी से 30 प्रश्न हो जाए। डेविल फिश, डेविल फिश किसको कहते हैं बेटा, अभी क्लास है आप लोगों की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डेविल फिश जल्दी से बता दीजिए। किसको कहते हैं डेविल फिश, सबको पता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्योंकि उसके बाद आपके सर की क्लास है, ऑक्टोपस को कहते हैं। 4 प्रश्न और कर लेते हैं। ऑक्टोपस में भुजाएं कितनी होती है, आपको पता है उसका नाम ही है ऑक्टा, उसका नाम ही है ऑक्टा, ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8, ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8, ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है, 2 प्रश्न हम होमवर्क के रूप में आपको देंगे, ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है, 2 प्रश्न हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से दीजिए। कह रहा है एनिलिडा मोलस्का के बीच की कड़ी कौन सी है, ये आपका प्रश्न है जो कि आपको उत्तर देना है, और इसके बाद जो है ये पीडीएफ हम ले रहे हैं, आपको भेज देंगे, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ठीक है, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, डाउनलोड कहां से होगी, एग्जामपुर एप्लीकेशन से डाउनलोड होगी, समझे बात को, एग्जामपुर एप्लीकेशन से डाउनलोड होगी, इसको रिफ्रेश कर दीजिए, दिखता नहीं है, हाँ जी समझे बात को सारे बच्चे, पीडीएफ को आप डाउनलोड कहां से करेंगे, एग्जामपुर एप्लीकेशन से करेंगे, एक बार फिर से समझा देंगे क्योंकि बच्चे जुड़े हैं साथ में, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर न्यूप्लीना है, ठीक है, ये आपकी क्लास हो चुकी है, इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ये जो है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को देनी है, बार बार हम समझा रहे हैं कि जो भी आपकी यूट्यूब की पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन पे जा रही है, ठीक है बेटा, आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करिए, सारा कुछ वहीं पे है, ठीक है, सारा कुछ वहीं पे है, एप्लीकेशन को अपडेट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए भाई आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे कल 3 बजे यूट्यूब पे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।